नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं अनुराग और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जी हां, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने एमएलसी चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दिया है उम्मीदवारों का। जी हां, ये बड़ी खबर है इस वक्त की और एक बड़ा नाम सामने आया है बिहार में। दरअसल एमएलसी के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, बिहार विधान परिषद के लिए उपचुनाव होने वाले हैं 2 सीटों के लिए, और 2 सीटों पर एक नाम की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए जिस नाम की घोषणा की गई है वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं शहनवाज हुसैन। जी हां, शहनवाज हुसैन अब एमएलसी बनेंगे, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है, लिस्ट जारी कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। और बीजेपी की ओर से जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं एमएलसी के लिए, उसमें 1 सीट पर नाम जारी किया गया है, दूसरे सीट पर फिलहाल अभी नाम नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ इस लिस्ट में यूपी के लिए, यूपी के 6 सीटों पर जो द्विवार्षिक चुनाव होने वाले हैं विधान परिषद के, उनके नाम भी जारी किए गए हैं। तो बिहार से बड़ी खबर है कि शहनवाज हुसैन का नाम सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें, बिहार में सुशील मोदी और विनोद नारायण झा के जो सीट खाली हुए थे उस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सुशील मोदी को राज्यसभा भेजा गया है, वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं। वही विनोद नारायण झा ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। मतलब कि जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, सुशील मोदी की सीट और विनोद नारायण झा की सीट पर से 1 सीट पर नाम का ऐलान कर दिया गया है शहनवाज हुसैन के नाम का। बड़े नेता है, कद्दावर नेता है बीजेपी के। इसके पहले हम आपको शहनवाज हुसैन के बारे में तमाम बातें बताने के पहले बता दें कि जो यूपी से 6 नाम जारी किए गए हैं उनके क्या नाम है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देते हैं। यूपी से कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, सलील बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान किया गया है। पर बिहार की तरफ नजर है और बिहार में सबसे बड़ा नाम सामने आया है शहनवाज हुसैन का। शहनवाज हुसैन एमएलसी के चुनाव में अब उतारे जाएंगे। शहनवाज हुसैन पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, और 3 बार बिहार से सांसद रह चुके हैं। भागलपुर से वो सांसद रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, और समस्तीपुर से आते हैं शहनवाज हुसैन। और इन्होंने जो शादी की है, एक रेणु शर्मा जो है वो ब्राह्मण तबके समुदाय से आती हैं, उनसे उनकी शादी हुई है। और ये शहनवाज हुसैन 1999, 2006 और 2009 यानी 3 बार सांसद चुने गए हैं शहनवाज हुसैन। बड़ा चेहरा रहे हैं कभी बिहार बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, और अब वो एमएलसी बनेंगे। जी हां, बिहार विधान परिषद के चुनाव में उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है, लिस्ट जारी कर दिया गया है। सैयद शहनवाज हुसैन चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी दूसरे सीट पर नाम का ऐलान बाकी है। बीजेपी ने फिलहाल इस पर अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, आगे क्या होगा। दूसरे सीट पर जो उपचुनाव होने हैं, 2 सीटों पर दरअसल बिहार में उपचुनाव होने हैं, तो दूसरे सीट के लिए फिलहाल अभी नाम पर सस्पेंस है। पर एक नाम सामने आ गया है और वो सैयद शहनवाज हुसैन का है, जो बड़ा नाम है इस वक्त की। ये बड़ी खबर है, अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।